नमस्कार, इनक्रेडिबल ट्रैवलर में आपका स्वागत है। मैं पिक्षित नाटू। आज हम बात करेंगे मंडी लोकसभा क्षेत्र की। इन दिनों बीजेपी के प्रत्याशी कंगना रनौत जी खूब चर्चा में हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कंगना जी आजकल अपना प्रचार खूब जोरों पे कर रहे हैं कि उन्हें वोट दीजिए। वो मंडी की जनता के बीच जाकर मुद्दों की बातों को ना करके इधर उधर की बातें करके लोगों का ध्यान भटका रही है। मेरी जनता से अपील है, कृपया मुद्दों पर स्ट्रिक्ट रहिए। मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, ये दो मेन मुद्दे हैं, इन पर बने रहिए। जब कंगना रनौत जी आपके पास वोट मांगने आए तो उनसे बेरोजगारी के ऊपर बात करिए, उनसे महंगाई के ऊपर बात करिए। उनके पास कोई आंसर नहीं है इसके लिए। वो बस सुबह से लेकर शाम तक मोदी जी कह रही है, उनके मुंह पे बस मोदी जी है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, उन्होंने तो मोदी जी को राम का अंश, विष्णु भगवान का अंश कह दिया है। उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी तो राम के अंश है। कंगना जी तो अपने आप को राम सेतु की गिलहरी कहते हैं कि जितना काम होगा उससे ज्यादा करेंगे। क्वेश्चन तो यहाँ पे यही उठता है ना, जब आपदा आई थी तब तो आप थे नहीं, जब काम करना था तब तो आप आए नहीं। क्या आपने अभी तक मंडी में आई आपदा, कुल्लू में आई आपदा में जो नुकसान हुआ, जिसका जिसका नुकसान हुआ, उनके घर गए, उनके परिजनों से मिले, नहीं मिले, कोई उनको राहत पैकेज दिया, नहीं दिया, तो आप किस बेसिस पे वोट मांगने जा रहे हो लोगों के बीच कि मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है? ये कोई मुद्दा नहीं है दोस्तों। मुद्दे हैं बेरोजगारी, महंगाई, डेवलपमेंट, एजुकेशन। देश में देखने को मिल रहा है कि डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा रहा है, देश डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। बीजेपी ने कभी भी मुद्दों के ऊपर चुनाव नहीं लड़ा है। मुद्दे होते हैं बेरोजगारी, महंगाई, इसके ऊपर बात नहीं करते हैं। 83% बेरोजगारी है इंडिया में, क्यों है? इनसे क्वेश्चन करिए, जिसमें से 65.5% इंडिया का यूथ बेरोजगार है, जो पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएटेड है, वो यूथ घर पे बैठा है, सड़क पे है। इस पे मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? कंगना रनौत जी से क्वेश्चन है, उन्होंने कह दिया था ना कि विष्णु के अंश है, राम के अंश है, लोग तो राम के कदमों पे चलते हैं। मोदी जी ने तो इंडिया को बहुत पीछे ला लिया है। जिस देश का युवा बेरोजगार है वो देश कभी आगे नहीं जाता है, उस देश में ग्रोथ नहीं होती है। अगस्त 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह ने पार्लियामेंट को बताया 9,64,000 से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वैकेंट खाली पड़ी है, लेकिन मोदी सरकार ने अभी तक वो भरी नहीं। क्यों नहीं भरी? कब के लिए बचा के रखी है? किसको दिखानी है? दोस्तों, अगर आप मोदी के प्रशंसक हो तो ये मत सोचना कि मोदी जी आपके लिए कुछ करेंगे। एक टाइम पे सोनम वांगचुक, उन्होंने भी वो भी मोदी जी की तारीफ बहुत करते थे। जब उन्होंने आर्टिकल 370 हटाया था तो उन्होंने मोदी जी की बहुत तारीफ की थी, लेकिन जब उन पर प्रॉब्लम आई, जब उन्हें लगा लद्दाख में इंडस्ट्रियल काम किया जा रहा है, उनको 6th शेड्यूल में नहीं डाला जा रहा है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। वो 21 दिन के फास्ट पे रहे थे, प्रोटेस्ट पे रहे थे। मोदी जी ने कुछ बोला उसके ऊपर? कुछ नहीं बोला। एक बात याद रखिएगा, मोदी जी आप आम लोगों की जनता के लिए नहीं है, मोदी जी आम लोगों की जनता के लिए नहीं है, उन्हें बस अपने उद्योगपति मित्रों की पड़ी है। फिर भी मोदी भर पता नहीं क्यों है इस देश में, इतना कुछ हो रहा है देश में। देखो यार, आंखें खोलो, देश की डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा रहा है। मोदी सरकार बोलती है 400 पार, मोदी सरकार लोगों में र्यूमर डाल रही है 400 पार। ध्यान रखिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, 400 पार नहीं आ सकती मोदी सरकार, 170-180 से ऊपर नहीं जाएगी। राहुल गांधी ये बातें ऐसे नहीं बोल रहे, कुछ फैक्ट है। मोदी सरकार का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। मोदी सरकार को बस पार्टी तोड़ना, MLA खरीदना, यही आता है। कंगना रनौत जी ने तो मुद्दा बना दिया कि उनके एक अभद्र टिप्पणी की थी प्रिया जी ने, जो कांग्रेस के हैं, ये कोई मुद्दा बनाने वाली बात नहीं है। कंगना जी ने पास्ट में अपने को स्टार के ऊपर इससे भी गंदी अभद्र टिप्पणियाँ की थी, जो बोलना सही नहीं होगा। तभी तो कहते हैं, दूसरों पे कीचड़ डालोगे तो एक दिन वो कीचड़ अपने ऊपर भी वापस आ जाता है। कंगना जी आजकल क्या कर रहे हैं, मलयाली भाषा में जाके बोल रहे हैं, लोगों से बात इंटरेक्ट कर रहे हैं, और पीछे लोग पता नहीं हूँ हा क्यों कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। क्या कुछ नया बोल दिया क्या उन्होंने? वो तो मंडी के है ना, तो मंडी की बेटी है, तो मलयाली में तो नॉर्मल बात है, बोलेंगे। फिर भी लोग हू हा कर रहे हैं। एक बात क्लियर है, बीजेपी को वोट देना मतलब अपनी लाइफ में डाउनफॉल स्टार्ट करना, अपने फ्यूचर को दांव पे रखना। बीजेपी सरकार युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है। आज युवा बेरोजगार है, सड़क पे है, ये एक फैक्ट है, ये एक रियलिटी है।
कृष्णा जी कहती है कि हिंदी गठबंधन सबसे भ्रष्ट है। अरे इलेक्टोरल बॉन्ड ने तो पूरा साबित कर दिया कि बीजेपी इस देश की अब तक की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, जिसने ईडी सीबीआई का यूज करके कंपनियों से चंदा वसूला। सबसे भ्रष्ट पार्टी तो बीजेपी है यार, फिर भी अभी अंधभक्तों की आंखें क्यों नहीं खुल रही है? बीजेपी से झूठी पार्टी कोई नहीं है। 2013-14 में जब इलेक्शन हुए थे, उससे पहले 2013 में मोदी जी कहते थे कि हम किसानों को एमएसपी देंगे, आज तक एमएसपी नहीं दी। किसान सड़कों पे है, मोदी जी कुछ बोलते हैं उसके ऊपर? कुछ नहीं बोलते। मणिपुर में हिंसा हो रही है, मोदी जी कुछ बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते। लद्दाख में लोगों ने प्रोटेस्ट किया, मोदी जी ने कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। ये बात युवाओं को सुननी चाहिए, देखनी चाहिए। मैं बोल रहा, मुझे मत सुनो यार, फैक्ट देखिए, कितने युवा बेरोजगार है वो देखिए ना, आपको महंगाई कितनी ऊपर जा रही है देखिए वो सब, तभी वोट डालना। कंगना जी आएंगे कुछ भी बोलेंगे, ये नहीं चलेगा। हो गया सब, अब लास्ट मोमेंट में वोट चाहिए। इससे अब लास्ट के एक दो महीने में आप जितना प्रचार कर लो, जीतने के लिए कुछ भी बोल दो, बेशर्मी की भी एक हद होती है। लिमिट को क्रॉस मत करिएगा प्लीज। ये तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि एक अच्छे कैंडिडेट, डिजर्विंग कैंडिडेट को वोट दीजिएगा। कंगना रनौत डिजर्विंग नहीं है, इतना तो आप लोग अपनी आंखें दिमाग शांत बैठ के सोचिएगा। टीवी न्यूज चैनल देखना बंद करिए, मोदी जी को देखना बंद करिए। एक महीने में इतना झूठ बोलेंगे, बस आप सोचेंगे कि यही ये सच है। मोदी जी जुमलाबाजी बहुत ज़्यादा करते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। तो मेरी सभी युवाओं से, मंडी वासियों से, मंडी के हर क्षेत्र के लोगों से एक अपील है, टीवी न्यूज चैनल देखना बंद करिए, मोदी जी को देखना बंद करिए, क्योंकि न्यूज मीडिया बिक चुकी है। न्यूज मीडिया को खरीद लिया है नरेंद्र मोदी सरकार ने। अपना वोट सोच समझ कर डालिएगा, उस प्रत्याशी को देगा जो आपके साथ कनेक्ट है, जिसका कनेक्शन आपके साथ है, जो आप लोगों के पास आ जा सकता है, जिसके पास आप आसानी से आ जा सकते हो, उसे वोट दीजिएगा। अपना वोट सोच समझ कर डालिएगा, क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है। अब कोई बॉलीवुड से उठ के आ गया है तो ये ठीक नहीं है, वो बॉलीवुड में ही अच्छे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अपना वोट सोच समझ के डालिएगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।